नमस्कार मेरे सभी साथियों को, आपका भाई भरत बेनीवाल आप सभी को नमस्कार करता है, क्रांतिकारी सवाल पेश करता है और आप सभी को ये भी कहना चाहता हूं कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें ताकि पूरे मुद्दों पे ढंग से क्लियर तरीके से बात हो सके। साथियों बिल्कुल मेरे साथियों, आप लोग जो सम्मान देते हैं उसके लिए सबसे पहले तो सभी साथियों को राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, खम्मा गणी, आप सभी को मेरा नमस्कार, क्रांतिकारी सलाम। और इसके बाद मैं आप सभी से इतना कहना चाहता हूं कि आज थोड़ा लाइव थोड़ा छोटा करेंगे। साथियों अभी जो साथी लोग जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें पूरा का पूरा वीडियो, क्योंकि शेयर करने से ये फायदा होता है कि अपना आंदोलन मजबूत होता है, एक तो, दूसरी जानकारी हर एक साथी तक पहुंचती है, तीसरी ये है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं तो अपन मैं मजबूत होऊंगा और आप लोग मजबूत होंगे तो अपन लोग एक संगठित रूप में मजबूती से सरकार से लड़ पाएंगे और अपनी मांगे भी मनवा पाएंगे। साथियों सबसे पहले मैं बता दूं आपको, आज सबसे अहम मुद्दा जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो भर्ती है, उस भर्ती के अंदर जो आज हम लोग NHM MD सुधीर कुमार शर्मा जी से मिले और बहुत सारे साथी लोग थे जो आज वहां मौजूद थे, करीब काफी लोग थे, 30-40 लोग थे आज, और सबके सामने वार्ता हुई, बहुत ही जबरदस्त तरीके से वार्ता हुई। सबको पता है कि आज NHM MD ऑफिस में क्या हुआ, वहां पे क्या हालत कर दी NHM MD साहब की, मैंने सबको पता है। आज शायद कुछ एक लोगों ने तो शायद उसमें रिकॉर्डिंग भी उस टाइम बनाई होगी। बहुत बड़ा मामला हो गया था, बहुत अच्छी झड़प हुई, पहली बार शायद सुधीर कुमार शर्मा जो IAS हैं, RAS से प्रमोट होकर IAS बने थे, इन दिनों में उनको मैंने मेरा पूरा ढंग से डेमो दिखाया नहीं था, रिजल्ट जारी करवाया उस वक्त एक बार डेमो दिखाया था, उन्होंने आज कहा भी कि भरत आपके कहने से मैंने रिजल्ट जारी किया, आपके कहने से मैंने हर काम किया, आप एक बात बताओ, आप बार बार में इश्यूज के लिए आते हो तो हम हमेशा आपका, CHO का कोई मुद्दा होता है तो हम आपका साथ देते हैं, कोई भी मुद्दा होता है आपका हम साथ देते हैं, लेकिन आज क्या है, मैंने जो 7900 जो सैलरी का इशू है ये इशू बहुत ही मजबूती से उठाया। दूसरा इशू उठाया 1 जुलाई से CCH का जो ब्रिज कोर्स चालू होना है वो ब्रिज कोर्स 1 जुलाई से होना चाहिए, इस चीज के लिए मैंने जबरदस्त तरीके से पैरवी की और आज जबरदस्त बहस हुई हमारी पूरा ऑफिस में। शायद एक बार तो हाहाकार सा मच गया था जब मैंने खुद ने उठ के खड़े होके, और बिल्कुल अधिकारी कांप गए थे कि क्या होगा पता नहीं। तो साथियों मैं आपको बता देता हूं, अब 3-5-4 दिन के सिस्टम में, अभी आपको पता है पिछले शुक्रवार को अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को इसी तरीके से मैं पोर्च में खड़ा कर लिया था और सारे कर्मचारियों के साथ फोटो आया था, आपने देखा होगा, पूरे अधीनस्थ बोर्ड में, पूरे आज तक के इतिहास में अधीनस्थ बोर्ड के पोर्च में इस तरह से कोई नहीं घुसा होगा, और अधिकारियों को जो नीचे उतार ले, और अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन हरि प्रसाद शर्मा जी जो इस तरह से बिल्कुल भयभीत और पूरी तरह से मतलब यूं नजर आए कि बिल्कुल उनकी हालत खराब हो गई हो। साथियों शायद मैं और लीडर्स की तरह और नेताओं की तरह फर्जी डींगे नहीं आता, लेकिन सबके सामने हुआ आज भी, इसका शायद ऑडियो वीडियो भी आ जाएगा आपके पास शायद बहुत जल्द, बच्चे ही डाल देंगे शायद, वहां पे मौजूद थे काफी बच्चे, आज बहुत बड़ी यूं मान लो बहस हुई है। तो साथियों काफी साथी लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग शेयर जरूर करना। साथियों सबसे पहले मैं आ जाता हूं सारे मुद्दों पे, CHO भर्ती के लिए फर्स्ट चीज, CHO भर्ती के अंदर आज फर्स्ट मुद्दा जो सैलरी का था, दूसरा मुद्दा था CCH ब्रिज कोर्स चालू करने का, तीसरा मुद्दा था TSP एरिया, और जो ज्वाइनिंग अलग अलग क्षेत्रों में सभी साथियों की कर रखी है इन लोगों ने, आज पेशेंट्स की जो संख्या है वो कम हो चुकी है, जो धीरे धीरे जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनका आंकड़ा कम आ गया है, तो जो साथी लोग एक्टिव केसेस के आधार पर जिनको अलग अलग क्षेत्रों में ज्वाइनिंग दी गई थी उन साथियों को जल्द से जल्द उनके होम डिस्ट्रिक्टों में या इस तरह से उनका समाधान करते हुए ब्रिज कोर्स के हिसाब से जल्द ट्रेनिंग सेंटर अलॉट करने के हिसाब से जो विभाग है वो एक सर्कुलर जल्द से जल्द जारी करे, कोई नोटिफिकेशन जारी करे। तो इसके लिए कम से कम भाई आज बात हुई वो पूरी बता देता हूँ। फर्स्ट तो TSP एरिया के जितने भी साथी लोग हैं
उनकी सबके सामने बात हुई थी। 7 दिन में इन्होंने कहा था कि भाई संडे तक हम कर देंगे टीएसपी एरिया वालों का, तो अप्रूवल के लिए फाइल भेज दी गई थी शुक्रवार को। शनिवार को रविवार को डिपार्टमेंट का कम काम हुआ है, क्योंकि एनएचएम पीडी सर जो है वो छुट्टी पे चल रहे हैं, आज छुट्टी पे थे एनएचएम पीडी सर, सभी को पता है आज जो लोग वहां पे आए थे। और एमडी सुधीर कुमार शर्मा जी मौजूद थे और उनको आज बहुत बड़े विरोध का सामना मेरे थ्रू करना पड़ा। उन्होंने कहा, मैंने जब 2016 एनएचएम वाले साथियों का भी मुद्दा उसमें जोड़ा कि भी 7900 रुपीज पर मंथ आप लोग देते हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, इससे अच्छा तो आप पेमेंट ना दें तो ज्यादा बेहतर है, किसी भी प्रोफेशन की बेइज्जती करने के लिए इससे बढ़िया कदम आप लोग नहीं उठा सकते थे, हमारे प्रोफेशन को आप बदनाम ना करें, चाहे वो पैरामेडिकल प्रोफेशन हो उसमें भी 6600 रुपए, कहीं 6700, यूटीपी के आधार पर भर्तियां होती है, के शर्मा जी से हम मिले, क्या हालत, बहुत हालात खराब है। फार्मासिस्ट हो 5600, 6000, 7000 की कोई सैलरी होती है, आप लोग मजाक समझ रखा है। तो साथियों बहुत बड़े बहुत जबरदस्त तरीके से पैरवी करी गई 7900 रुपए के मामले में। मैंने साफ कह दिया कि उन्होंने कहा कि भाई भरत जी आप सीएचओ का ज्यादा देख रहे हो तो सीएचओ के बारे में बात करो, आप अदर के बारे में बात। मैंने कहा कि मैं तो एक जनप्रतिनिधि भी हूं, आज सांसद और एमएलए से ज्यादा पावरफुल हूं, किसी मंत्री से ज्यादा पावरफुल हूं, मैं तो इतना कहता हूं। और मैं इतना कहता हूं कि मेरे साथ मेरे साथी हैं ना सभी, तो शायद मैं किसी से कम नहीं हूं, और मैं ना केस मुकदमों से डरता हूं ना किसी और चीज से, आपको जो कार्रवाई करनी हो कर लेना, लेकिन मुझे हर हाल में इन लोगों की सैलरी एक तो बढ़ी हुई चाहिए, दूसरी चीज 1 जुलाई से बैच हर हाल में चालू चाहिए, ये दोनों मांगे रखी। उन्होंने पॉजिटिव रेस्पॉन्स दिया है, अंत में वो सही तरीके से बातों पे आ गए थे, और शायद पहली बार ही वो इतना खौफनाक तरीके से डर गए होंगे, शायद बुरी तरह से डरे आज तो। सुधीर कुमार शर्मा जी आज का दिन याद रखेंगे, ये मैं पक्का कह रहा हूँ साथियों। नंबर एक चीज, सीसीएच कोर्स यानी कि ब्रिज कोर्स 1 जुलाई से चालू करवाने के लिए आज उन्होंने आश्वासन दिया है हमें साथियों। दूसरी चीज सैलरी जो है सेकेंड चीज, वो सैलरी का इश्यू ये कह रहे हैं कि भी 7000 में ज्वाइन क्यों किया आप लोगों ने। साथियों मैंने साफ कह दिया कि भी 25000 प्लस इंसेंटिव का आप लोगों ने प्रावधान कर रखा है सीएचओ का है, उसके बाद भी आप लोगों ने इनके साथ 7000 रुपए में एक तरीके से ये गेम खेला आप लोगों ने, इससे अच्छा फ्री में हम लोग सर्विस दे देंगे वो ज्यादा बेटर हमें लगता है। तो साथियों वो बोले कि भाई फ्री में सर्विस देने की बात ही नहीं है, तो मैंने कहा कि भाई ये किस आधार पे आप लोग दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि एक बार के लिए 1-2 महीने के लिए हमने ये यूटीपी पे किया है, वैसे तो हमने 3 मंथ का उसमें डाल रखा था, लेकिन पेशेंट खत्म होते ही धीरे धीरे हम लोग इसको 1-2 महीने में करके वैसे इसमें 1 जुलाई से बैच शुरू करवाने का हम लोग काम कर देंगे, लेकिन आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप नाराज मत हो, उन्होंने ये भी कहा लास्ट में। साथियों टीएसपी एरिया के जितने भी साथी लोग हैं उनकी कल या परसों तक लिस्ट जारी होने के लिए उन्होंने साफ साफ कह दिया, मंत्री जी आज अगर पीडी सर सही होते स्वस्थ होते तो शायद आज शाम तक वो लिस्ट जारी कर दी जाती मेरे हिसाब से, या कल तक कर दी जाती, क्योंकि आज अप्रूवल होके फाइल अप्रूवल हो गया लगभग, लेकिन पीडी सर के हाथ में है थोड़ा सा, तो 1-2 दिन उसमें कार्रवाई में भी लगते हैं। तो 267 के करीब टीएसपी एरिया के जो अभ्यर्थी है, चयनित अभ्यर्थी है जो ज्वाइन कर चुके हैं, उनको अपने एरिया में भेजने के लिए, चाहे वो राजस्थान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आउट ऑफ टीएसपी एरिया जो लगा रखा है किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लगे हुए हो, उन सभी को उनके एरिया में भेजने का काम किया जाएगा। दूसरा मैंने ये भी डिमांड रखी है कि जैसे करौली वालों को राजसमंद भेज दिया, किसी को बाड़मेर भेज दिया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको उनके होम डिस्ट्रिक्टों में भेजे, क्योंकि ऐसा कोई जरूरी नहीं था, ये 3 महीने जो भी आप ये करवा रहे हो, तो ये तो हम लोग अपनी मर्जी से ही मान लो एक तरीके से आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, बाकी रियलिटी में जो काम है वो सीएचओ का है, वो अपने हिसाब से ट्रेनिंग होनी थी, सब कुछ होना था, हमने तो ये मान लो कि पब्लिक की जिंदगियां देखते हुए आप लोगों को ये सेवाएं दी हैं, आप पे ये एहसान हमारे इन सीएचओ साथियों का रहेगा जिंदगी भर, ये और मानिए। ओम प्रकाश लामरोड भाई जो काफी संघर्ष करते रहते हैं, उन भाई के काफी मैसेज भी आ रहे हैं, बिल्कुल भाई आपके भी संघर्ष को सलाम सभी साथियों के। साथियों मैं आपको बताऊं, जितने साथी लोग हैं सभी शेयर जरूर करना, इस भर्ती को हमने 6 महीने के अंदर अंदर पूरा करवाया है सभी साथियों ने, इतिहास की सबसे बड़ी बंपर भर्ती है नर्सिंग और आयुर्वेद वाले साथियों के लिए 8000 की, 7810 की एक तरीके से। तो साथियों इसमें जो बचे हुए पद हैं 457 जो पद हैं उन पे जो एक तो स्पोर्ट्स की थी, तो स्पोर्ट्स की जितने भी जहां से ये वेरिफिकेशन होने हैं, ज्यादातर संस्थाएं अभी बंद पड़ी हैं,
कोविड की वजह से अब खुल गई बस धीरे धीरे, तो अब सारे वेरिफिकेशन होके उनकी भी एक लिस्ट बहुत जल्द जारी होगी, 10 के आसपास तक हो जाएगी जहां तक है, 10-12 के आसपास तारीख तक। और सेकंड बात बता दूं आपको, पीएच की भी 10 से पहले पहले लगभग वेरीफाई हो गए लगभग, तो आधे पर्दे सर्टिफिकेट, तो कुछ एक साथियों का और विकलांग कोटे की जो सीटें हैं उनका भी होने वाला है साथियों। इसके बाद आप आ जाओ साथियों, जो अदर जो है कुछ के डिवोर्स सर्टिफिकेट और ये जो सर्टिफिकेट थे उनका भी जो वेरिफिकेशन ज्यादातर का हो गया, कुछ एक में जो संदेश पद है वो भी अब बहुत जल्द उनका क्लियर हो जाएगा सारा मामला, और जो बाकी कोर्ट केसेस है उनका भी समाधान करवाने का काम, जो भी केसेस लगे हुए हैं और जिनकी तरफ से कोर्ट की तरफ से जिनके लिए पॉजिटिव रेस्पॉन्स है उनका भी समाधान बहुत जल्द होगा साथियों। आपको मैं बता दूं इसके बाद वेटिंग की मैं आपको बता दूं साथियों, काफी साथी लोग वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं, तो आप चिंतित ना हो, इसमें जितने पद खाली जाएंगे उन पर वेटिंग के लिए आज उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई ठीक है वेटिंग के लिए हमें मंत्री के पास भेजना पड़ेगा एक बार, तो वहां से और एसीएस साहब से पूरा अप्रूवल लेना पड़ेगा, तो एक बार इसको कंप्लीट हो जाने दो। जैसे ही ये कंप्लीट होगी यानी कि 1 जुलाई के लगभग जब भी ट्रेनिंग शुरू हो, कई लोग ये सोच रहे कि इग्नू के बैच के हिसाब से या वैसे एग्जाम होती है तो 1 जुलाई से होगी, तो साथियों मैं आपको बता दूं इस बार 3 बैच है इग्नू के भी, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है तो उसके हिसाब से सारे बैचेस हैं। 1 जुलाई से भी एक बैच स्टार्ट होगा, 1 अगस्त से भी बैच स्टार्ट होंगे, मतलब पूरे इंडिया लेवल के हिसाब से बता रहा हूं मैं साथियों, और 1 अक्टूबर से भी बैच स्टार्ट होंगे। तो साथियों अपन को तो 1 जुलाई वाले बैच से स्टार्ट करवाना है, और सब तरीके से सारे साथी लोगों से निवेदन है कि साथ बनाए रखें, ये मत सोचे कि भाई हाँ कल कुछ साथी लोगों ने मैसेज भी डाल रखे थे कि भाई कल आएंगे नहीं आएंगे, भाई साहब आएंगे नहीं आएंगे, मुझे ध्यान नहीं था, मुझे आज शाम को पता चला उन चीजों का। तो साथियों मेरे को उसके बाद पता चला क्योंकि हम लोग आज ही पहुंच गए थे मिलने के लिए, टीएसपी वाले साथी इकट्ठे हो गए थे तो उनके लिए जाना भी पड़ा मेरे को। तो साथियों आप बिल्कुल चिंता मत करें, आपका बड़ा भाई बैठा है, जब तक कोई माई का लाल नहीं है कि आपके अधिकारों को छीन ले इस दुनिया से, ये आपका भाई बिल्कुल आपको, कई लोग बरगलाते हैं, कई लोग कह देते हैं कि भाई 1 जनवरी से बैच चला जाएगा, फलाने से चला जाएगा, कोई माई का लाल अगर इस दुनिया में किस कोई जन्मा हो सामने वाला अधिकारी, पूछ लेना सुधीर कुमार शर्मा जी से भी, आज के बाद जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे। दूसरी बात, कोई माई का लाल अधिकारी मेरे इन साथियों का बैच अभी शुरू नहीं करेगा, रोक के दिखा दे मैं मान जाऊंगा असली कि वास्तव में कोई दम है किसी में। साथियों कोई मंत्री ने पूरी जान झोंक दी भर्ती को रोकने के लिए, सबने पूरी जान झोंक दी थी सीएचओ भर्ती को रोकने के लिए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं, मजाल नहीं कि इस भर्ती को रोक पाया, वो हमने इस लिस्ट को निकलवाया, और कैसे निकलवाया 6 महीने के अंदर अंदर, अपन सभी साथियों की जो मेहनत थी, आप लोग बस इतना साथ देते हो उसकी वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है साथियों। तो साथियों सैलरी का इश्यू मैंने साफ साफ कह दिया है कि नहीं चाहिए 1900-1900 रुपए इस तरीके से, तो इसके लिए एक अभियान अपन ट्विटर पे भी चलाएंगे साथियों, एक बड़ी न्यूज भी आएगी बहुत जल्द, मैं आप लोगों से बताना चाहता हूँ, कई टीवी चैनलों पे और सभी पे चलवाएंगे अभी न्यूज, और इसको माहौल क्रिएट करेंगे इसमें पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो एक SMS के अंदर ठेका कर्मी जो चपड़ासी है उसकी भी और ट्रॉली मैन की तनख्वाह भी 9551 रुपए है, तो साथियों ये चीज बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने नाम तो बहुत बड़ा सारा दे दिया और दिखावे में कुछ नहीं, एक तरीके से आप हमें IAS बना दोगे, मैंने साफ कह दिया कि IAS साहब, वो बोले कि भाई आप 2016 वालों के लिए बोलोगे तो मैं नहीं सुनूंगा, मेरे को यूं बोले IAS साहब आज, मैंने कह दिया कि आपको सुनना पड़ेगा, इसलिए सुनना पड़ेगा क्योंकि आज मैं MP MLA से भी पावरफुल हूं, और मुझे नहीं पता, मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, पहली बात। दूसरा, जनप्रतिनिधि के तौर पर आज MP या MLA किसी का भी मुद्दा उठाते हैं वो आपको सुनना पड़ता है, तो हम MP MLA से मजबूत है, किसी से कम नहीं है, पता करवा लो आप भरत बेनीवाल का, समीर शर्मा जी से पूछ लो, नरेश ठकराल जी से पूछ लो, आपके चिकित्सा मंत्री से पूछ लो, क्योंकि नया नया IAS आए हैं तो अभी ध्यान नहीं था उनको, आज पता चल गया ढंग से। तो साथियों आपको मैं बता दूं, तैयार रहो सारे साथी लोग, कमर कस लो, कभी भी मौका मिलेगा, अभी एक बार 7-8-10 दिन में एक बार माहौल देख लेते हैं पूरा, कि माहौल देख लेते हैं सभी साथियों,
क्योंकि जो बाहर के क्षेत्रों में ज्वाइनिंग देती, बताओ कोई बाड़मेर देती, किसी को जैसलमेर देती, मैंने इतना भयंकर धमकाया आज इन लोगों को, क्या किस आधार पे दे दिया आपने? कोविड में आप 7,000 में अपना करके दिखाओ ना, मैं मान जाऊंगा आपको। आप एक अकेले यहां से बाड़मेर जो बंदा जाएगा 8-10 हजार रुपए तो उसका किराया ही लग जाएगा उस कोविड के अंदर, वो ऐसी परिस्थितियों में जाके, और कोई बच्ची होगी कोई लड़की होगी तो उसके साथ तो बहुत ही ज्यादा परेशानी होगी। तो मतलब ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। साफ साफ मैंने उसको स्थिति से वो कराया, साफ साफ कभी कोई फालतू की ड्यूटियां लगा रखी है, कोई सर्वे में ड्यूटी लगा रखी, कोई कह रहा है कि सर्वे में ड्यूटियां लगा दी, अब यहाँ जयपुर में सर्वे में ड्यूटी लगा रखी है, नर्सिंग स्टूडेंट्स ने अलग सर्वे कर दिए, कुछ टीचर्स ने अलग कर दिए, नर्सिंग वालों ने अलग कर दिए, सब सर्वे करते डोल रहे हैं, और इनकी भी सीएचओ साथियों की भी सर्वे में ड्यूटी लगा रही, मतलब एक एक घर में राउंड हो रहे, 5-5, 6-6 घर, लोग अपने घर नहीं खोल रहे। आप कोविड पॉजिटिव काम करने का काम कर रहे हो, सरकार एक तरफ तरह से या कुछ और कर रही है, सरकार क्यों पागल बना रही है इस जनता को? आपको जब काम करना चाहिए था, आज से 1-1.5 साल पहले खूब सारी भर्तियां करवानी चाहिए थी, नर्सेज हो, फार्मासिस्ट हो, पैरामेडिकल हो, सारी सारी भर्तियां जब करवानी चाहिए थी, जब तो आप लोगों ने करवाई नहीं, और जब हम लोग लठ लेके आप लोगों के पीछे पड़े हैं तब जाके भर्तियां पूरी करवाते हो आप लोग। तो इसलिए तुरंत प्रभाव से सरकार इन चीजों को मजबूती से और हमारी पैरवी करे, और पैरवी करते हुए हम सभी साथियों के लिए तुरंत प्रभाव से सारे मुद्दों का समाधान करे, अन्यथा सरकार को इस कोविड के महाकाल में इतने बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। ये लोग डराते हैं कर्मचारियों को, कहते हैं कि भी अभी हाईकोर्ट का आदेश है, कोई भी स्ट्राइक करेगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अभी कोई स्ट्राइक नहीं कर सकता, हाईकोर्ट का आदेश है, नौकरी पे आ जाएगी, ये इस तरह से डराते हैं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि मेरे को तो कोई नौकरी नहीं करनी, मेरे को कहां रोकोगे तुम? अब मेरे को दबा भी नहीं पा रहे बेचारे, कहां से दबाएंगे? साथियों पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपका भाई जो लीडर है वो ऐसा है कि जिसको नौकरी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, इनको दबना पड़ रहा है, इनकी हालत खराब हो रखी है। और साथियों इसी तरह से ही हम लोग संघर्ष करेंगे। तो देखो हथेली पर सरसों नहीं उगती, मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन साथियों इतना है कि धीरे धीरे हम अपने सारे मुद्दों में कामयाब होंगे और बहुत जल्द मजबूती से आगे बढ़ेंगे, और इस पूरे प्रोफेशन को, मेडिकल प्रोफेशन को मैं बदल के दिखाऊंगा। एक कोई छोटा मोटा नेताजी था, उन राजनीति करने आ गया था अपनी फील्ड में, लेकिन उसको पता चल गया, आप सभी को भी पता चल गया, अब उसकी यह हालत कर दी कि उसी की फील्ड में घुस के आज उसी के मुद्दे उठा दिए, हालत खराब कर दी। साथियों मैं इतना जानता हूं कि मेरे फील्ड में राजनीति, हमारी फील्ड में राजनीति, सॉरी मेरी फील्ड नहीं है, मैं तो ये चाहता हूं कि हर एक साथी ये माने कि मेरा प्रोफेशन वर्ड जिसके मुंह से जिस दिन निकलने लग जाएगा मुझे बदलना है, उस दिन हमारे प्रोफेशन का भला हो जाएगा, हम सारे के सारे एकजुट होंगे। तो एक दिन आज वो तिलमिलाया किस लिए अधिकारी, क्योंकि अधिकारी को ये हो गया कि 2016 वालों का भी साथ दे रहे हैं, एएनएम वालों का भी साथ दे रहे हैं, तो इस तरह से सारे यूनाइट हो जाएंगे और एक साथ में स्ट्राइक पे आ गए, सीएचओ वाले, 2016 वाले, एएनएम जीएनएम वाले, फार्मासिस्ट जो असिस्टेंट सॉरी पैरामेडिकल वाले, तो साथियों इस तरह से ये सारे एक साथ में स्ट्राइक पे कल को आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे, तो अधिकारियों की हवा निकल गई। तो साथियों आप टेंशन मत लो, सभी को एकजुट भी कर लेंगे और इस प्रोफेशन को बदल के भी दिखाएंगे। साथियों उसके बाद आप लोग, ये तो सैलरी का मुद्दा है तो इसको समाधान करना ही करना है, इसको तो यूटीपी वाले स्तर पे अलग से समाधान करना पड़ेगा। इसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के आदेश से लेकर जो एक्ट लागू होते हैं वो सारे एक्ट आज लिख के दे दिए सरकार को, किस एक्ट के तहत केंद्र सरकार ने भी कितना सैलरी 26,800 वाला पूरा मैंने डिटेल वाइज आज दे दिया है, और बहुत जल्द हम इसमें जीत के आएंगे और बहुत जल्द हमें इसमें सफलता मिलेगी। पर यह है कि मेरे हिसाब से महीना भर और है, तो मैं सोच रहा हूँ सीएचओ वाले साथियों का तो महीने भर में शायद भलाई हो जाएगा, तो 1 जुलाई से बैच होने का संभावना है पूरी, बात हो गई आज अच्छे से। अब साथियों सेकंड नंबर मुद्दे पे मैं आ जाऊं, जो जीएनएम फर्स्ट ईयर के कुछ बच्चे थे वो भी बहुत फोन कर रहे थे, तो जीएनएम वाले जो बच्चे हैं, साथी हैं, छोटे भाई हैं, उनके जो रिजल्ट बहुत खराब रहा है, तो उसके लिए मैं रजिस्ट्रार साहब से बात करी थी लेकिन ढंग से मिल नहीं पाया मैं आज, तो 1-2 दिन में उसके लिए मैं अलग से वीडियो डाल दूंगा साथियों। दूसरी बात अब आ जाओ पैरामेडिकल भर्ती पे साथियों, पैरामेडिकल भर्ती की बात करता हूं मैं आपसे साथियों। पैरामेडिकल भर्ती के लिए जो हालत आज सुधीर कुमार शर्मा जी की करी उसी तरीके से आपको ध्यान है, फोटो भी देख लिया था आपने, जितने साथी लोग हैं शेयर जरूर करना,
वीडियो ताकि पैरामेडिकल साथियों तक और जो खास करके बेरोजगार जो बीएड बीएससीसी वाले उन तक तो ये जरूर पहुंचने चाहिए वीडियो, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि मेडिकल की भर्तियों में किसी कोई नेताजी का कोई रोल नहीं है, क्या सच्चाई है वो जरूर पहुंचनी चाहिए साथियों। सभी दो चार दो दो तीन भर्तियां और बची है, उनकी गिनी चुनी भर्तियों के बारे में जरूर बोलूंगा साथियों। जो कल साथी कुछ लोग ये कह रहे थे कि कल आए कि नहीं आए, तो साथियों आप लोग देख लीजिए, वैसे तो कल भी मैं हालांकि स्वास्थ्य भवन तो रहूंगा, लेकिन आप लोग मेरे हिसाब से आज वार्ता हो गई है तो काफी हद तक पॉजिटिव है रेस्पॉन्स, तो आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग जैसे इकट्ठे हों तो एक साथ में हम लोग यूनाइट होके और मजबूती से कल से खोलने का भी प्लान चल रहा है सरकार का, शायद खोल दिया होगा कुछ, यूं कह रहे हैं अनलॉक का काम चल रहा है, दो से लगभग खोलने का प्लान है। तो जो खुल जाए उसके बाद अपन लोग क्या करें कि भाई सारे जने एकजुट होके और उसके बाद एक बड़ा बहुत बड़ा शानदार वाला काम करें, और साथियों सीएचओ वाले साथियों के लिए बोल रहा हूं मैं, बहुत बड़ा काम करें हम दो के बाद के आसपास। तो साथियों आप लोग कल का एक बार देख लेते हैं, कल का तो रहने दीजिए, एक पांच सात दिन का गैप दे दीजिए एक बार, आज वार्ता हुई है तो अपन लोग पूरी तरह से, मैं चाहता हूं कि मजबूती से हम लोग इस लड़ाई को एक साथ में एक बड़े, मैं आपको घोषणा करूं उस दिन सारे साथी लोग एक एक साथी लोग भरत बेनीवाल बनके और सारे साथी भाई लोग चाहे अपने अपने आप को क्रांतिकारी के रूप में यहाँ पे साबित करने के लिए जरूर आए, जिससे हम लोग 1 जुलाई से इस कोर्स को चालू, जिस दिन आएंगे जोरदार तरीके से खेल करेंगे, चिंता मत करो, अधिकारियों के परकच्चे उड़ा देंगे, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, कोई अधिकारी आप लोगों को तंग कर रहा है अपने एरिया में, कोई परेशान कर रहा है तो मुझे फोन करें, अपन हर तरीके से लड़ेंगे, चिंता मत कीजिए, और मेरे को बात करा देना कि आप लोग परेशान कर रहे हो, किसी को डरने की जरूरत नहीं है साथियों। दूसरी बात पैरामेडिकल भर्ती की बात मैं कर रहा था, तो चेयरमैन को आपको पता है आज तक के इतिहास में अगर चेयरमैन की फोटो अधीनस्थ बोर्ड में घुसना ही बहुत बड़ी बात है, घुस के और चेयरमैन को कोई फोर्स में उतार के ले आए और उसके चारों तरफ इर्द गिर्द आपने कर्मचारियों की फोटो देखी होगी साथियों, ऐसे अगर किसी अधिकारी को आज तक इस तरह से सभी कर्मचारियों को खड़ा करके और सारे तरीके से मैंने वहां पे देखा हुआ आपने इतिहास में आज तक, जो झूठी बातें करने वाले लोग बहुत होते कि फोन पे मैंने इससे बात हो गई मेरी उससे बात हो गई, लेकिन अधिकारियों को और चेयरमैन को वो भी इस तरह से खड़ा हो के देखा हो तो बता दो आप, और पूरी की पूरी सामने के सामने बात हुई, कमेटी गठित हो गई, मैंने जैसा कहा वैसा का वैसा हुआ पैरामेडिकल के अंदर, और सारी की सारी जो भर्तियां लैब टेक्नीशियन हो चाहे असिस्टेंट रेडियोग्राफर हो चाहे ईसीजी टेक्नीशियन, तीनों भर्तियों के बारे में बात हुई, जिसमें मुख्य रूप से जो कमेटी है उसके अंदर ये मामले रखे गए, कमेटी में सारी भर्तियों का मामला रखा गया। ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती में थोड़ा सा मामला है, जो रिजल्ट जारी होना था वो रिजल्ट साथियों एक बार के लिए जो कमेटी में रखा गया था, उस दिन रोहित सैनी भाई भी मेरे साथ थे और ब्रिजमोहन मीणा भाई और ये पिंटू सिंगाड़िया भाई, तीनों भाई रोज रेगुलर आ रहे हैं मेरे पास और रेगुलर साथ दे रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं सभी इसी चीज के बाकी जो साथी लोग हैं उनको कई लोग भ्रमित करने की कोशिश करते हैं कि उसने रोक दी इसने रोक दी, किसी की कोई औकात नहीं है, कुछ नहीं रोक सकता कोई भी, रोकना तो छोड़ो, अधीनस्थ बोर्ड सिर्फ एक दिन खुला है, अब पता चल गया किस लिए खुला है, उस दिन भी भरत बेनीवाल मौजूद था अधीनस्थ बोर्ड में और लोग तो डाल रहे थे मीटिंग है, मीटिंग के अंदर कौन मौजूद था वो देख लो आप लोग, आप सभी को पता है मीटिंग में कौन मौजूद था, मैं मौजूद था साथियों सब समझ जाओ, सच्चाइयां आप लोगों के सामने आने लग गई हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, बहुत जल्द हम लोग इस तरह से इस लड़ाई को मजबूत करेंगे कि इसमें जो फर्जी कैंडिडेट्स हैं जितने ज्यादा जो भी हैं सभी के एक एक के सर्टिफिकेट वापस से चेक हो रहे हैं, एक एक की मार्कशीटें चेक हो रही है, डिग्रियां चेक हो रही है, डिप्लोमे चेक हो रहे हैं, जो पैरामेडिकल भर्ती है एलटी और आरटी में, एलटी की एक लिस्ट बना दी गई थी वापस से अभी, लेकिन उसमें से भी छटनियां भी हो रही है और बहुत जल्द एलटी का जो आगे की लिस्ट है वो जारी होगी, और जो साथी लोग असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती के लिए जिनके नंबर आ गए थे उनको ये लगता है कि भाई कई लोगों को ये लगता है कि ज्वाइनिंग, अरे साथियों परसों तक तो तुम्हारी प्रक्रिया खत्म हुई है 24 वाली, यारो थोड़ा बहुत तो वेट करना सीखो, अब ये कुछ लोग भ्रामकता फैलाने लग जाते हैं हमें तो ज्वाइनिंग ये वो, साथियों अपने भाइयों के लिए छोटा मोटा त्याग करना भी सीखो, तुम्हें पता है कि जो फेयर कैंडिडेट्स थे मुझे पता है, मैं भर्ती निकलवा के लाया हूं और तुम अब निकलवा लेना आगे आने वाले टाइम में, तुम्हें पता चल जाएगा भर्तियां निकलवाने में कितना जोर आता है, सरकार से बजट लेना सबसे बड़ी खांडे की धार है, ध्यान रख लेना, इस ये सरकारें एक रुपया भर्ती के लिए नहीं देती हैं, बजट के लिए नहीं देती हैं, भर्ती निकलवा के लाना और फिर उसको पूरी परीक्षा हो या मेरिट बेस पे करवाना हो या पूरी प्रक्रिया पूर्ण करवाना,
जैसे सीएचओ में परीक्षा हुई, इसमें मेरिट आधार पे हुई, तो ये पूरी प्रक्रिया पूर्ण करवाना, फिर उसके बाद कोर्ट केसेस से लड़ना झगड़ना, ऐसे कर करके मेहनत कर करके इन भर्तियों को पूरा करवाना। अरे भैया लास्ट की लिस्ट तो कोई भी जाके ही वो कह देगा कि हाँ मैंने जारी करवा दी, मैंने जारी करा दी। जो भर्ती निकलवा के लाता है और जो पूरी भर्ती प्रक्रिया को निपटाता है वो होता है असली शेर। ध्यान रखो साथियों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आप लोग साथ बनाए रखें। ईसीजी वाले साथियों को बिल्कुल भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। मीटिंग है 2 तारीख को, आपको पता है सभी को, 2 तारीख को मीटिंग में सब इन तीनों भर्तियों का पूरा सिस्टम तैयार हो गया है। ईसीजी टेक्नीशियन की भर्ती की का परिणाम जारी होने वाला था, सभी को पता है, लेकिन एक भ्रम और मन में भय आ गया कि भाई कहीं कोई गलती से एलटी और एआरजी की तरह नहीं हो जाए और मेरे राजस्थान के जो रियल बेचारे पढ़ने वाले बच्चे हैं आरयूएचएस और आरपीएमसी के, जिनको 2-2 साल के डिप्लोमे 5-5, 6-6 साल में होते हैं, उन बच्चों के साथ अन्याय नहीं हो जाए। ये बहुत ज्यादा सोच समझ के हम लोगों ने ये निर्णय किया और तरीके से बिल्कुल कर रहे थे। विकास वर्मा भाई आप टेंशन मत लो, आपका भाई बैठा है और आपके लिए लड़ाई लड़ रहा है, बिल्कुल पूरे दिमाग से काम कर रहा हूं। आपको पता भी चल गया होगा, सारी कमिटियां मैंने बनवाई, सब कुछ मैंने करवाया, आपको पता चल गया होगा आप कौन काम कर रहा है। अब मेरे को पहले तो फिर भी था कुछ कि भाई आप लोगों को शायद पता भी नहीं था, अभी पीछे की जो कमिटियां देखोगे जिसमें बैकलॉग निकाला गया था उसका भी मैं आपको प्रूफ दूंगा कि कब किसने पैरामेडिकल की जितनी भर्तियां निकलवाई गई थी, सारे के सारे प्रूफ मैं दूंगा। लेकिन आप लोगों ने मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने, कुछ एक लोगों ने ही सपोर्ट किया। मेरे को ये भर्ती जिंदगी भर याद रहेगी पैरामेडिकल वाली, मुझे दुख होता है मैंने इतना कुछ किया उसके बावजूद आप लोगों ने सराहना करने की बजाय थोड़ा सा टांग खिंचाई करने का प्रयास किया। इसीलिए आज ये प्रोफेशन पीछे है साथियों, इसीलिए तुम लोग आदमी पहचानना नहीं सीख पाए, यही सबसे बड़ी दिक्कत है साथियों। अब मैं आपको बता दूं ईसीजी टेक्नीशियन भर्ती का परिणाम सिर्फ 2 तारीख को ये मीटिंग है, इसमें क्लियर होने के जस्ट बाद में तुरंत प्रभाव से निकालने का प्लान है। अब साथियों आगे आ जाओ आप लोग, मैं आपको अगला जो भर्ती है जो इसके लिए शायद मतलब बहुत जल्द इसमें जो जो ज्वाइनिंग का काम है वो वाले टेंशन में चल रहे हैं, एलटी आरटी वाले जो साथी हैं एआरजी वाले, तो एलटी की तो लिस्ट का मैंने बताया दिया, जो आगे की लिस्ट अभी फेयर तरीके से निकले इसके लिए हो गई बस लिस्ट तैयार। आज मंत्री के पास अप्रूवल होने भी गई थी फाइल, लेकिन उसको एक बार के लिए मंत्री जी ने भी ये कह दिया कि इसमें एक बार और चेक करवा लो, जब तक कमेटी का पूरा रिजल्ट नहीं आ जाता पूरी तरह से एक बार उसको क्लियर करना है, उसके बाद ही रिजल्ट जारी करना है। तो एलटी का ऐसा सुनने में भी आया था आज हमारे पास कुछ अधिकारी मित्र। और साथियों ज्वाइनिंग के लिए जो लिस्ट है रेडियोग्राफर की, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की, तो वो बहुत जल्द साथियों अभी आ जाएगी, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसमें ये है ज्वाइनिंग में कि भी जो फेयर साथी हैं उनके लिए तो लिस्ट जल्द से जल्द निकलवा रहे हैं, बाकी जो अनफेयर है जो फर्जी तरीके से लगे हैं वो तो अपनी लिस्ट का जिंदगी भर इंतजार ही करते रहेंगे, नहीं आएगी साथियों उनके लिए। बहुत जल्द वो जो सीटें खाली होंगी उनको बैकलॉग के रूप में, सॉरी जो आगे के जो कैंडिडेट्स हैं उनके द्वारा भरी जाएगी, जो नीचे की मेरिट आएगी और जो साफ सुथरे लोग होंगे। साथियों अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, अब इसके बाद जो काफी साथी लोग थे जो फार्मेसी के मेरे साथी लोग हैं वो साथी काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, तो उनको आज मैं बता देता हूँ। आज मुकुल शर्मा जी से बात हो गई है, साफ साफ बात हो गई है साथियों, अखिल अरोड़ा जी से भी बात हो गई थी, बिल्कुल 100% फार्मेसी की भर्ती लिखित परीक्षा से होगी, ये आज मेरी फाइनल बात हो गई है। सबसे बड़ी खुशखबरी है मेरे फार्मासिस्ट साथियों के लिए, आज इतनी देर इंतजार करवाया मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन ये बात सबसे पहले मुझे बोलनी चाहिए थी, हालांकि लेकिन मैंने इसलिए नहीं बोली कि मैंने ये चाहता था कि बहुत जल्द दूं, तो एक कहते हैं इंतजार का फल मीठा होता है। तो साथियों 4105 पदों पर जो भर्ती अभी आ रही है, बिल्कुल चिंतित ना हो साथियों, 100% लिखित परीक्षा से आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है कि अगर पहले करने का इसको प्रयास करते हैं तो इसको कई लोग ये मुद्दा रख देते हैं बार बार वहां पे कुछ साथी लोग कि भाई जो अधिकारी हैं उनके सामने कर्मचारी संघ वाले और कुछ और साथी लोग कि इस भर्ती को मेरिट से कराने का और बोनस से कराने का वो लोग रख देते हैं। वो इसलिए रख देते हैं कि बहाना मिल जाता है एक तरीके से उनको कि इस भर्ती को कैसे भी मेरिट से और बोनस से करवा के और वो लोग परमानेंट हो जाएं। तो साथियों परमानेंट नहीं, बोनस तो रहेगा इसमें, लेकिन ये लिखित परीक्षा से भर्ती होगी, आपको बिल्कुल चिंतित करने की आवश्यकता नहीं है। इसकी श्योरिटी के लिए मैं आप लोगों के पास एक वीडियो डाल रहा हूं, वो आज देख लेना आप लोग फार्मासिस्ट साथियों,
मैंने पहले नहीं डाला था क्योंकि कुछ साथी लोग ये कह रहे थे कि अधिकारियों के साथ जो बात होती है वो थोड़ी सी नहीं ओपन करनी चाहिए। तो मैं साथियों आप लोगों के लिए इतना ही कहना चाहता हूं कि फार्मासिस्ट साथियों की बहुत बड़ी जीत होने वाली है और उसके लिए मेरे छोटे भाइयों को अशोक कुमार भाई बिल्कुल आप बहुत संघर्ष कर रहे हो और पूनिया भाई भी बहुत संघर्ष कर रहे थे इस मामले में। सभी साथी लोग जो मेरे साथ देते हैं मैं उनका हमेशा साथ देता हूं। साथियों बिल्कुल चिंतित होने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप कैडर वाले साथी जो जिनका कैडर अभी बनवाया था ओटी टेक्नीशियन वाले साथी एक बार ब्लड बैंक वाले जो साथी हैं उनको हल्का सा इंतजार करना पड़ेगा भर्ती का। कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भर्ती आए लेकिन 258 पदों पे ओटी टेक्नीशियन की जो भर्ती है वो आने की संभावनाएं और प्रबल होती जा रही हैं क्योंकि आज की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको दे देता हूं। जो साथियों जो फाइल थी वो फाइनेंस में पहुंच चुकी है। कार्मिक विभाग ने रिक्त पदों की सारी संख्या मांगी थी उसमें 258 पद आए थे। उन 258 पदों को फाइनेंस डिपार्टमेंट से क्लियर होना है लेकिन लॉ डिपार्टमेंट से वो भर्ती का पूरा काम क्लियर हो चुका है। अब कैबिनेट का काम छोटा मोटा बाकी है। बहुत जल्द आप लोगों का जैसे कैडर बनवाया उसी स्पीड से ये काम नई भर्ती का निकलने का पूरी तैयारी हो रखी है। साथियों अब मैं आपको बता दूं एक साथी जो नेत्र सहायक वाले साथी हैं उनकी तो सबसे मेन बात हुई आज मैं बता दूं। साथियों रिक्त पदों की संख्या मांग ली है। जितने भी आईज के हॉस्पिटल है वो प्लस जो अदर हॉस्पिटल्स है जिनमें थोड़ा बहुत भी जैसे पीछे आंख के लिए एसएमएस में भी कुछ चरक भवन और इधर छोटे मोटी जो आईज से रिलेटेड जहां पे प्रॉब्लम्स होती है पूरी चीजें वहां से डील होती है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। तो साथियों उन सभी हॉस्पिटल्स से आज हमने कहा था उनको कि आप एक या दो दिन में रिक्त पदों की संख्या जल्द से जल्द मांग लीजिए जिससे उसमें क्या है जो रिक्त पदों की संख्या वो भेज देंगे तो उसी के अकॉर्डिंग फिर उस फाइल को पूरा का पूरा मतलब फाइनेंस और फिर आगे का जो लॉ डिपार्टमेंट और ये तीनों प्रक्रियाएं जल्द से जल्द पूरी हो क्योंकि अभी नेत्र सहायकों की सख्त आवश्यकता होनी चाहिए थी। सरकार को आज भर्ती सख्त रूप से आवश्यक रूप से करवानी चाहिए थी फुल स्पीड से क्योंकि उन साथियों को रियल में उन साथियों के साथ अन्याय हो रखा है। उनको डिप्लोमे करवा करवा छोड़ दी कोई लेना एक ना देना दो सरकारें पता नहीं क्या करती रहती हैं। साथियों आप लोगों के लिए बहुत जल्द भर्ती आने की संभावनाएं मजबूत हुई आज और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि भाई जो साथी अब आपको असली बात बता देता हूं जो अधीनस्थ बोर्ड की परसों घेराव किया गया था अंदर घुस गए थे और बहुत जबरदस्त तरीके से पोर्च में जो हरिप्रसाद शर्मा जी से बात हुई उसमें मुख्य रूप से तो इस फर्जीवाड़े की जो बातें करी और इसमें कमेटी गठित करवाई और उसमें तुरंत प्रभाव से इसका समाधान करते हुए जल्द से जल्द जो फेयर स्टूडेंट्स हैं उनको उनकी लिस्ट जारी करते हुए फिर स्वास्थ्य विभाग ज्वाइनिंग दे उनको फटाफट इस काम में हम लोग लगे हुए हैं स्पीडली इस काम को करने में लगे हुए हैं। साथियों तो ये जल्द से जल्द काम हो। प्लस दूसरी मांग ये थी कि पटवारी जो भर्ती थी पटवारी भर्ती के लिए भी जब मिलने गए थे तो मैंने सोचा पटवारी का भी हर हाल में पूछते ही हैं सारा काम भी करते हैं तो पटवारी भर्ती की मैं बता देता हूं आपको सम्मान पात्रता परीक्षा काफी साथ ही लोग फोन कर रहे थे पटवारी भर्ती के लिए भी बात करो सर पटवारी भर्ती के लिए भी बात करो तो उसमें बता दूं मैं आपको सम्मान पात्रता परीक्षा से इस भर्ती को कराने का सरकार तैयारी कर रही है जिसमें दो परीक्षाएं कराने की बात कर रही है प्री और मेंस दो परीक्षाएं कराने की बात कर रही है। इसमें साथ में ग्राम सेवक और सम्मान जो कैडर का है एक आध भर्ती वो भी मिक्सअप करने की प्लानिंग चल रही है सरकार की। तो साथियों आपको बिल्कुल चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है पटवारी वालों को इसके अंदर बहुत जल्द जो EWS की वजह से जो फॉर्म रीओपन होने हैं वो बहुत जल्द फॉर्म खोले जाएंगे ये बात हमारी हो गई है अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन साहब से। अब ये लॉकडाउन का चल रहा था लेकिन अब इसके हटते ही अब ये 3-4 दिन के अंदर अंदर शायद 5-7 दिन के अंदर अंदर फॉर्म खोलने का संभावनाएं बनी है हल्की सी एक बार और हम बात कर लेंगे साथियों। इसके बाद जो साथी लोग इसी में पटवारी भर्ती में एक चीज और है साथियों हमने एक मांग रखी है कि CCTV कैमरे और फिंगरप्रिंट के थ्रू जो एंट्री होनी चाहिए क्योंकि इसमें घपला होने की बहुत संभावनाएं रहती हैं। इसी वजह से दो परीक्षाएं करने की बात चल रही है अगर एक परीक्षा भी होती है तो वो बहुत जल्द कराई जाए लेकिन दोनों परीक्षाओं के बीच में दो परीक्षाएं अगर होती है प्री और मेन दोनों में 1-1.5 महीने का ही अंतर बीच में रहना चाहिए। तो जल्द से जल्द सरकार जो 13 लाख से 15 लाख जो युवा बेरोजगार साथी है वो इंतजार कर रहे हैं काफी समय से इस भर्ती को पूरा करें। अब मैं आपको बता दूं जो मेडिकल प्रोफेशन के जो पैरामेडिकल काउंसिल के बच्चे हैं वो काफी समय से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी आज हमारी बात हुई।
पैरामेडिकल काउंसिल की जो छात्र हैं उनके लिए मैं बता दूं, जो 2018 और 19 वाले बच्चे हैं वो साथी प्रैक्टिकल के इंतजार कर रहे हैं, 19-20 वाले एग्जाम का वेट कर रहे हैं। साथियों मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम के लिए जनवरी में फॉर्म खोले जून के फर्स्ट वीक में फॉर्म खुल जाएंगे, आप लोगों को बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो अभी प्रैक्टिकल एग्जाम होने हैं 18-19 वाले साथियों के, उन साथियों के प्रैक्टिकल जो भी जिन जिन के प्रैक्टिकल्स बचे हुए थे उनके भी प्रैक्टिकल्स जून फर्स्ट वीक में लगभग चालू हो जाएंगे। उससे पहले ही कोशिश है कि भाई अब 2 या 3 दिन में ही चालू करवा दें, 3-4 दिन में ही चालू करवा दें, कोशिश यही है। यानी कि अब ये जो आ गया कल से जून का ही सिस्टम चालू हो गया है, तो ये जो फर्स्ट वीक है इसमें आप लोगों को चालू हो जाएंगे, मतलब 10 तारीख से पहले पहले फॉर्म भी खुल जाएंगे जिन लोगों के एग्जाम नहीं हुए हैं उनके, और प्रैक्टिकल्स भी उनके चालू हो जाएंगे साथियों। तो साथियों मैं आप लोगों से बस इतना ही करके, अब रेट पर रेट है तो उसके भी लिए भी आज डोटासरा जी का वीडियो आ गया है, तो डोटासरा जी का आपने देख लिया होगा, बहुत जल्द परीक्षा कराने की भी बात कर रहे हैं, वो बहुत जल्द फॉर्म खोलने की भी बात कह रहे हैं। तो हमने अभी अभियान चलाया था रीट के लिए और पटवारी के लिए, और शायद हम लोगों ने कॉन्टेक्ट करने का भी प्रयास किया था, 1-2 MLA से भी फोन करवाए थे। तो साथियों आप लोगों के लिए बहुत जल्द हो सकता है पॉजिटिव सूचना आएगी और बहुत जल्द आप लोगों के फॉर्म खोले जाएंगे और आप लोगों के लिए खुशखबरी आएगी। लाइब्रेरियन भर्ती है वो भी पूरी होगी बहुत जल्द, उसके लिए भी आज बात करी थी उन लोगों से। एक बार मैं 2 या 3 दिन बाद शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहा हूं, 1-2 दिन में आपके पास सारी न्यूज आ जाएगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है साथियों। और इन सभी भर्तियों में, रीट हो चाहे पटवारी हो, सभी भर्तियों में जो पद है उसकी मैं गारंटी दे रहा हूं पद बढ़ेंगे और जोरदार वाले पद बढ़ेंगे, आप टेंशन मत लो। अब मैं आप सभी साथियों को इतना ही कह के और आप लोगों से इनकलाब जिंदाबाद बोलते हुए विराम लूंगा साथियों, क्योंकि कुछ एक छोटी मोटी चीजें लास्ट में पटवारी और रीट की मैंने इसलिए बोल दी कि काफी लोगों के फोन आए थे, क्योंकि मैंने इन दिनों में खबरें भी चलवाई है 2 दिन में। लेकिन फर्स्ट थिंग इज टू चेंज माई प्रोफेशन, फर्स्ट टारगेट फॉर मी टू चेंज माई प्रोफेशन साथियों, फर्स्ट टारगेट मेरे लिए सिर्फ एक है, ओनली चेंज माई प्रोफेशन। जो इंसान अपने प्रोफेशन को नहीं बदल सकता वो किसी और के लिए क्या करेगा साथियों। जो इंसान, आज मैं विधायक हूं मान लो, मेरा विधानसभा क्षेत्र में मजबूती से काम नहीं कर सकता तो मैं राजस्थान में कहां से काम कर पाऊंगा साथियों। तो साथियों मैं आप लोगों से इतनी निवेदन करता हूं कि नई नर्सेज वैकेंसी हो, चाहे कोई सी वैकेंसी हो, नई नर्सेज की वैकेंसी की 4200 की फाइल लगभग क्लियर हो गई थी और कार्मिक विभाग में जा चुकी है, साथ में नर्सिंग ट्यूटर जो है उनकी भी फाइल जा चुकी है, दोनों फाइलें लगभग 350 के करीब है। ये नर्सिंग ट्यूटर की पद जिसमें सारे मिक्सअप में है, उसमें नर्सिंग लेक्चरर भी है, प्रोफेसर भी है सॉरी, और सब तरीके के हैं उसमें, कुछ एक प्रिंसिपल और इस तरह के पद भी हैं। तो बहुत जल्द हम लोग सारे मजबूती से इसी तरह से लड़ते रहेंगे तो बहुत फायदे में रहेंगे साथियों। मैं आपसे इतना ही कह के और ये कहना चाहता हूं कि आगे फ्यूचर में आप लोगों के लिए लड़ाई मजबूती से लड़ूंगा और मेरे प्रोफेशन को नंबर 1 प्रोफेशन बना के छोड़ूंगा पूरे राजस्थान में। ये उम्मीद आप लोग भी कर सकते हैं और मैं भी पूरे दिल से पूरी जी जान लगाते हुए इस प्रोफेशन को बदलने का संकल्प लेता हूं, उसी तरह से आप लोग भी संकल्प लें। साथियों आपसे निवेदन है कि साथ बनाए रखें, CCH स्टार्ट करवाने के लिए हमने मुहिम शुरू कर दी है, इस मुहिम में साथ दें और जो 7900 रुपए और 7000 रुपए ये सब शोषण जो हो रहे हैं इनको बदलने में आप लोग मेरा साथ दें, क्योंकि आपका भाई, जब तक आप लोग साथ हैं जब तक हम लोग सब कुछ कर देंगे। कुछ लोग गिने चुने लोग होते हैं, उन पर ध्यान नहीं दे के और आगे बढ़ते रहेंगे और इन अधिकारियों को हम अपनी ताकत बताते रहेंगे और ये अधिकारी हमारे लिए इसी तरह से काम करते रहेंगे। मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, देख लिया होगा आपने तलवे चाटने वालों का कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इन अधिकारियों को सबक सिखाने वाले लोगों का ही कुछ हो सकता है, नहीं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पता भी चल गया होगा अब किसकी क्या ताकत है, किसकी क्या पावर है। साथियों आप लोग साथ बनाए रखें, बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए रात दिन एक कर दूंगा। 2018 जो पुलिस भर्ती है उसके लिए अलग से मिलूंगा, 1 लाइब्रेरी भर्ती है उसके लिए, 2 भर्तियों के लिए मैं स्पेशल अलग से अभी मिलूंगा और साथियों मैं बहुत जल्द उनका समाधान कराऊंगा। बस इतना सा है, आप लोग साथ बनाए रखें साथियों, धन्यवाद, इनकलाब जिंदाबाद।